चार महीने में घटाया था सानिया ने 26 किलोग्राम, बढ़ा पोस्ट प्रेगनेंसी वेट, जानिए कैसे। भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा आज 33 साल की हो गई है। सानिया सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं और अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए वह कड़ी मेहनत करती हैं। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के बाद जब वो ओवरवेट हो गई थी तो उन्हें वजन घटाने में कोई परेशानी नहीं आई। चार महीने में घटाया 26 किलोग्राम वजन। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा वजन 23 किलोग्राम तक बढ़ गया था, लेकिन चार महीने में मैंने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से 26 किलोग्राम तक वजन घटाया है। मैं हमेशा ऐसे मैसेज पढ़ती रहती हूँ जिसमें महिलाएं पोस्ट प्रेगनेंसी को लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें वापस नॉर्मल लाइफ में आने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। दिन में एक घंटे या दो घंटे के समय के साथ आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सकती हैं। प्रसव के बाद सानिया ने वजन कैसे कम किया? कार्डियो एक्सरसाइज। डिलीवरी के बाद वजन कम करने के लिए सानिया जिम में करीब 4 घंटे पसीना बहाती थी। वह हर दिन 100 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करती थी। चूंकि वह स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए उन्हें फिटनेस का मतलब बखूबी पता है। 1 घंटे किकबॉक्सिंग। यही नहीं, सानिया डिलीवरी के बाद 1 घंटे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करती थी। इसके अलावा पिलाटे एक्सरसाइज, पिलट्स, 2 घंटे वेट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सुबह व शाम कार्डियो और पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज करती हैं। डाइट प्लान। एक इंटरव्यू में सानिया ने बताया था कि मां बनने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। जब वह प्रेग्नेंट थी तो बहुत कुछ नहीं कर सकती थी और खास पान पर भी ध्यान रखना पड़ता था। हालांकि पोस्ट डिलीवरी के बाद सानिया ने काफी सख्त डाइट वर्कआउट किया, लेकिन वे इसका भी ध्यान रखती थी इससे उनके बच्चे पर कोई असर ना पड़े। इसी के साथ आपको बताते हैं सानिया के प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान किन बातों का ख्याल रखा। प्रेगनेंसी में की हल्की फुल्की एक्सरसाइज। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि डॉक्टर्स ने उन्हें पहली तिमाही में बहुत ज्यादा सावधान में रहने की सलाह दी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, मगर वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज रनिंग करती रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें मॉर्निंग सिकनेस का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छी नींद है जरूरी। उनका कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी और भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी है, खास तौर पर प्रेगनेंसी के 3री तिमाही में नींद से समझौता बिल्कुल ना करें। यह अच्छी नींद का ही नतीजा है कि वो हमेशा फ्रेश और तरोताजा महसूस करती थी। नियमित योगा। दिमाग को शांत रखने के लिए सानिया सुबह 10 से 15 मिनट योगा जरूर करती थी। खासकर प्रेगनेंसी के दूसरे चरण में उन्होंने इसे बिल्कुल भी मिस नहीं किया।